वहीं विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी ने सत्र शुरू होने से पहले हंगामा कर दिया, जिसकी तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करते नजर आए, तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी लगातार विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती रही। राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण विपक्ष के हंगामे के बीच पढ़ा, जिसकी ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कई ऐसे मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हंगामा सदन की कार्यवाही से पहले शुरू होने से पहले किया गया, जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी जमकर नारेबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। तो बता दें कि लखनऊ विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इसका अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था, जिसमें राज्यपाल ने सरकार के कामों को गिनाया, तो वहीं विपक्ष हंगामा करता नजर आया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था तेजी से सुधार हुआ है, माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, प्रदेश में 9 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने राज्य की योजनाओं की सराहना की। अपने दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर 21 फरवरी को शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। इसके बाद 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 2023 से 24 का बजट पेश करते नजर आएंगे, जिसे सरकार सर्वांगीण विकास बजट बता रही है। तो राज्यपाल की जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता दें, गांव को जिला का विकास जो है वो यहां पर किया जा रहा है। समग्र विकास ग्लोबल इंटरेक्ट समिति 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, उत्तर चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश का निवेश को प्रोत्साहित किया गया। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई उत्साहजनक प्रतिक्रिया 30,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 1,900 से ज्यादा निवेश आयोजित प्राप्त किए। चीन में 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसर के सृजन की संभावना है। मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 118 ब्लॉक मुख्यालय, 26 तहसील मुख्यालय को 2-2 लेन से संपर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा 68 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को 2 लेन से चौड़ा किया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन के संपर्क मार्गों तथा तहसील व ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति। तो वही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि यूपी की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की मार झेल रही है और सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों की जेबें भरा रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान पर अडिग रहने की बात भी कही। पूरी भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, पूरे देश और प्रदेश को लूट कर अपने चंद पूंजीपतियों की तिजोरी भरने में लगी है। कि आज जिस प्रदेश के सरकार का अभिभाषण राज्यपाल के रूप में आप प्रस्तुत कर रही हैं, वो प्रदेश कैसे चल रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी की लूट और साथ ही साथ सारे विकास काम ठप, किसानों के फसलों को छुट्टा जानवर चर के सफा कर रहे हैं, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की जनता का आक्रोश समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने मजबूती से श्री राज्यपाल जी के सामने रखी। देखिए, रामचरित मानस का विरोध नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में रामचरित मानस की कुछ चौपाइयों के अंश से जिससे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े सामाजिक सरोकारों के अवसरों पर रोजाना पानित होते हैं, उनको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, ये हमारी जो मांग है आगे भी चलती रहेगी।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामेई ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर निशाना साधा, कहा कि यूपी में जिस तरह के हालात हैं, राज्यपाल अपनी आंखों में पट्टी बांधकर खामोश हैं, उनका राज्य सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन साहिबा की हालत यह है कि जब से वो हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जिस पे हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, चाहे वो दलितों के रेप का कांड हो, चाहे वो कानपुर देहात में ब्राह्मण समाज के लोगों को जिंदा जलाए जाने का मामला हो, आनंदीबेन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसी पट्टी को, उसी ताकत को, उसी जो फर्जीवाड़ा झूठ आज जो बजट उनके अभिभाषण में जो पेश किया गया है उसके मुखालफत समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमने की है। तो वही विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एसपी के हंगामे और नारेबाजी को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। डिप्टी सिंह केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी की राज्यपाल एक महिला है, लिहाजा एसपी महिला विरोधी भी है। हम सभी जातियों को न्याय देने का काम, सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान सबको स्थान, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। समाजवादी पार्टी की क्या पहचान है? गुंडागर्दी करना, अराजकता करना, माहौल खराब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण के कारण से उनका वैसे भी हाल खराब है कि अगर प्रदेश का इतना विकास हो जाएगा तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो हमें सदन में अपनी बात कहें और सरकार उस बात का जवाब देगी। सड़क में बैठ कर के केवल मीडिया इवेंट बनाना, वह भी सत्र के दौरान, यह तो अगर शिवपाल जी जैसे मतलब कई बार जो सदन में सदस्य रहे हैं उन्होंने ये काम किया है तो भगवान उनको बुद्धि दे। तो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एसपी की नारेबाजी पर डिप्टी सिंह ब्रिजेश पाठक ने निशाना साधा है। डिप्टी सिंह ब्रिजेश पाठक से बात की हमारे संवाददाता। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं। सर, जिस तरीके से अभिभाषण शुरू हुआ और पूरे अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने जमकर नारेबाजी की आप लोगों के खिलाफ, ये बहुत ही दुखद है। संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला समाजवादी पार्टी के लोग करते रहते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को प्रदेश की जनता बहुत पास से देखती है और समझती है। समाजवादी पार्टी अपने शासन काल में जिस ढंग से अपराधी तत्वों को पुष्पित पल्लवित करती रही है, उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम करती है, आज के आचरण को प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। इन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। महामहिम राज्यपाल महोदया जब प्रदेश की जनता को संबोधित कर रही थी और माननीय सदन को संबोधित कर रही थी, इस प्रकार का कृत्य कभी इनको प्रदेशी जनता माफ नहीं करेगी। जातीय जनगणना, रामचरितमानस माना जा रहा है, ऐसे मुद्दे, प्रकार की बातों को सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए लोग करते हैं। आज प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। हम सब विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर नंबर एक पर आएगा। आज हमारे पास सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस वक्त मेरे साथ थे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज जो सदन के अंदर हुआ उससे साफ होता है कि विपक्ष मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहता, विपक्ष मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो जनरल सरन सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो जैसे कि पहले से ही एहसास था कि विधानसभा में बजट सत्र के हंगामेदार की शुरुआत हुई और सत्र शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर धरना प्रदर्शन कर एसपी विधायकों ने बता दिया कि ये तो महज ट्रेलर भर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो एसपी नेताओं ने सरकार पर आरोपों की झड़ी भी लगाई। तो वहीं सीएम योगी ने विपक्ष को भरोसा दिया कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते मुद्दा जनता के सरोकार का हो। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामेदार प्रदर्शन शुरू कर बजट सत्र का ट्रेलर दिखा दिया। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में पार्टी के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। हमेशा हम लोग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा से ही स्टार्ट किया है। आप लोगों को पहले बाहर रोका गया, फिर उसके बाद यहाँ पे लोगों को सस्पेंड कर देंगे चाचा। हम लोगों का प्रयास है कि हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा से ही शुरू करेंगे। प्रदर्शन के दौरान एसपी विधायकों की पुलिस और मार्शल्स के साथ नोकझोंक भी हुई और मार्शल विधायकों को समझाते बुझाते दिखे। माननीय राज्यपाल महोदय को गेट संख्या 1 से एंटर करके
तीन से बाहर जाना है, ये समस्त रूट जो है आरक्षित कर दिया गया है माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन हेतु। इसका जो प्रोटोकॉल है भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किया गया है, उसका अनुपालन कराना है। इसमें ये अव्यवस्था हो रही है, समाजवादी पार्टी के विधायक को तो हटा नहीं पा रहे हैं। जहां पे सत्र में बजट की शुरुआत होनी है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उससे पहले ये गतिरोध बहुत कुछ कहता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर रखी थी कि आज तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे, वो होता हुआ एक तरीके से दिखाई दे रहा है। एसपी विधायकों के हंगामे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये एसपी का मीडिया इवेंट है। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के सामने बताना चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के काबिल हैं, इसीलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी अराजकता करना, माहौल खराब करना या उसका चरित्र रहता है। श्री शिवपाल जी मुझे लगता है श्री अखिलेश जी के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम समाजवादी पार्टी की लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, तुम नेता विपक्ष का पद त्याग करके हमको दे दो, इसलिए धरना दिए होंगे। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार किसान और बेरोजगारों को बर्बाद करने में लगी है। आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। वहीं एसपी के हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई में बाधा डालना अलोकतांत्रिक है। कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी नेताओं ने जातीय जनगणना की मांग भी की, जिसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पहले एसपी अपनी पार्टी में जातीय जनगणना कराए। एसपी ने हंगामा कर ये ट्रेलर दिखा दिया है कि बजट सत्र कितना हंगामेदार होगा। लखनऊ से पवन सिंगर के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, तो राज्यपाल के अभिभाषण पर साधा निशाना। राज्यपाल का अभिभाषण जनता को मायूस करने वाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज माननीय राज्यपाल का अभिभाषण लोगों को त्रस्त करती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन और अशांत माहौल आदि के खास मामलों में सरकार की तरफ से अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का निरर्थक प्रयास, कुल मिलाकर जनता को काफी मायूस करने वाला। तो निशाना बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से, तो यूपी में सत्ताभोगी तत्वों को छोड़कर सरकारी दावों के विपरीत आज हर वर्ग, समाज और समुदाय सरकार की संकीर्ण और द्वेषपूर्ण नीतियों और कार्यकलापों का भुक्त भोगी और उससे पीड़ित दुखी लोगों को उनका हक और इंसाफ नहीं मिल पाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता। तो इसके बाद भी उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन विफलताओं पर सरकार जरूर ध्यान दे।